नमस्कार, आइए इस बात पर प्रकाश डाल लें। उससे पहले एक जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये कनिष्ठा उंगली आपकी, और कनिष्ठा उंगली यहाँ सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई है। जब जब सूर्य की उंगली पहले पर्व तक पहुँच जाती है, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा निकली हुई है तो इसमें जरा आत्मविश्वास को जरा ज़्यादा कर देती है। तो थोड़ा सा ज़्यादा की जगह अगर ज़्यादा नॉर्मल रूप से सही बराबर में होती है तो उसका ज़्यादा अच्छा फल होता है। लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छा फल, जो उम्र के आखिर समय तक आपकी अच्छी याददाश्त बना करके रखेगा। आप लोगों के अच्छे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं और सही फैसले लेकर के जीवन में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। बात कर लेता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ बिल्कुल नीचे मजबूती के साथ में खड़ी हुई है। कुल मिलाकर के यदि मैं देखता हूँ तो बिल्कुल थोड़ा सा गैप यहाँ बन रहा है बीच में। जब इस तरह का गैप बन जाता है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ कारण की वजह से अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता है, और यदि पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवाद का सामना करना पड़ता है। चलिए ये बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हुई है, यानी इस उंगली ये साफ बताती है कि आपके अंदर जीवन में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी और महादशाएँ जब जब भी आएगी तो आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से और साथ ही साथ आर्थिक रूप से कुछ आपको कमज़ोर करेगी। तो चलिए ये हुआ इसका फल। अब बात करता हूँ मैं यहाँ ये उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली, और बृहस्पति की उंगली यहाँ ज़्यादा तो लंबी नहीं पहुँची, साथ ही साथ इसका कुछ अलगाव भी है। तो जब ये इस प्रकार का अलगाव होता है तो व्यक्ति को या तो पूजा पाठ का समय नहीं मिलता है या उसका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। कई बार तो उसके जीवन में बहुत लंबा समय आ जाता है जब वो पूजा पाठ पर बैठता भी नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर के एक तरह का स्वाभिमान भी कह सकते हैं, और ज़्यादा गरीब लोगों को मुंह नहीं लगाता है, छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाता है। इस प्रकार की ये बृहस्पति की उंगली है। अब मैं बात करूँगा आपके बुध पर्व की। बुध पर्व जाना जाता है अच्छे धन के लिए, साथ ही साथ अच्छी सद्बुद्धि के लिए, और साथ ही साथ इसमें खड़ी हुई ये वाली रेखाएं इस प्रकार को प्रदर्शित करती हैं कि आपको संतान का सुख सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ जीवन के अंत समय तक आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे। ये इस रेखा ने भी यहाँ इस पर्वत ने बताया। अब बात करूँगा मैं सूर्य के पर्व की। यहाँ सूर्य का पर्व और सूर्य का पर्व कुल मिलाकर के अनुकूल पर्व है, यानी कुल अगर अपने जीवन में आप चाहेंगे तो बुद्धि के द्वारा तरक्की के साथ साथ आप राज्य सरकार से संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें आपको जीवन के अंदर तरक्की भी प्राप्त होगी। एक सवाल का जवाब भी मैं यहाँ पर दे चलता हूँ। आपने कहा है कि पॉलिटिक्स, क्या मैं पॉलिटिक्स में लाभ उठा पाऊँगा? देखिए, ये पॉलिटिक्स में लाभ उठाने के तो यहाँ पर कोई भी फायदे नहीं दिखाई देते हैं। पॉलिटिक्स में कोई उच्चता की बात तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में जुड़ करके आप मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। धन प्राप्त करने के योग नहीं है, मान सम्मान प्राप्त करने के योग है। बात करते हैं आपके शनि पर्व की। शनि पर्व और शनि पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएँ, यानी कि यहाँ तक इस तरीके से जब पहुँची हुई हैं तो यहाँ ये अभी अनुकूल अवस्था में है, संपर्व है, यानी जीवन के अंत समय तक धन का आगमन बना रहेगा, ऐसे दर्शित करती हुई ये रेखाएँ। बात कर लेता हूँ बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व से यदि ये दो रेखाएँ भर निकल जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति के पास में अपना धन मकान होता है, साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत जो सुख सुविधाएँ हैं उनको प्राप्त करता रहता है। अब बात करूँगा आपके इसकी रेखा के बारे में। ये आपकी हृदय रेखा है और इस समय आपकी 56 वर्ष की आयु है। अब मुझे कहीं पर भी हृदय रेखा में ऐसा नज़र नहीं आता कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम मुझे कोई यहाँ पर नज़र नहीं आती। थोड़ा सा बृहस्पति पर तक ये हृदय रेखा पहुँच गई है, तो पत्नी के साथ में थोड़ी तू तू में बस ऐसा समझ लीजिए, कोई ज़्यादा गहरी खराब, अच्छा कुल मिला करके वैवाहिक जीवन। चलिए ये सब हो गया। अब मैं बात करने वाला हूँ आपकी यहाँ पर मंगल पर्व की। ये मंगल पर्व और मंगल पर्व यहाँ पर सम अनुकूल पर्व है। सम पर्व मैंने हमेशा से बताया कि हमेशा से सम पर्वत अच्छा होता है। यहाँ सम पर्व क्योंकि मंगल का प्रथम पर्व है, जो इस प्रकार को दर्शाता है कि आपको साहस बनाए रखेगा, आपकी इस समय तक भी कार्यशैली करने की क्षमता को बनाए हुए है आपका ये मंगल पर्व। बहुत ही सुंदर रेखा आपके पास है मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा बुद्धि रेखा जा करके पूरे हाथ को पार करती हुई चंद्र पर्वत तक चली गई है,
और कुछ ना कुछ सवाल का सब आपने पूछा, काम कैसा रहेगा, तो चलो थोड़ा थोड़ा सा बताते चलता हूँ। ये आपकी बुद्धि रेखा है और बुद्धि रेखा पूरे हाथ को पार करने के बाद में ये यहाँ पर इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो मंगल पर्व जो दित्य है उससे थोड़ा सा नीचे, यानी कुल मिलाकर चंद्र पर्वत से इसका इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि आप विदेश से जुड़ करके काम करेंगे तो लाभ, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो लाभ। साथ ही साथ चंद्र पर्वत को और ज़रा मैं नीचे तक देख लेता हूँ मस्तिष्क रेखा के साथ, फिर मैं आपका दूसरा काम। हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आप जल के काम ना करें, डीजल के काम ना करें, कोयले के काम ना करें, काले काले कलर के काम ना करें, क्योंकि ये जो दो ब्लैक बिंदु चंद्र पर्वत पर आए हुए हैं गहरे पानी में ना जाएं, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ शराब का काम ना करें, जल का काम ना करें, दूध का काम ना करें, इन कामों से आप जुड़ कर जो है थोड़ा सा आप दूर रहें। और जब ये तिल यहाँ चंद्रमा पर होता है तो व्यक्ति को कभी क्रोध भी दिलाता है, तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपने क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी पर भी आपको नियंत्रण रखना है, और मानसिक जांच लगातार आप अपनी कराते भी रहें। चलिए ये बात हो गई यहाँ चंद्र पर्वत पर। अब मैं बात करने वाला हूँ आपकी अन्य रेखाओं के बारे में। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा हो गई, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपके शुक्र पर्व पर। चलिए आपका मैं शुक्र पर्व पर चलता हूँ, और ये एक वाइट रंग का एक स्पॉट चिन्ह आपके शुक्र पर्वत पर बना हुआ है। यहाँ शुक्र पर्व पर वाइट रंग का चिन्ह होना शुक्र और बुध और चंद्र पर्वत पर सफेद ये वाला दाग ब्लैक रंग के, ये आदमी के अंदर चर्म रोग से संबंधित कार्यों को देते हैं। तो थोड़ा सा तो आपको शुक्र पर्वत पर ये है, तो आपने कोई माता रानी से संबंधित कुछ बोला हुआ हो तो उसको पूरा कर लीजिए, कोई संकल्प बोला हुआ हो, वरना बहुत चर्म रोग के या एलर्जी के संभावना के साथ साथ एक और भी बात का ध्यान रखना है कि किसी महिला से सावधान रहें, वो आपके कहीं चरित्र पर कोई दाग ना लगा दे, बस इतना भर समझ लीजिए, या ऐसा या ऐसा। चलिए ये बात हो गई। अब मैं बात करने वाला हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा और यहाँ इसका बिल्कुल जुड़ाव बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और ये जुड़ कर के यहाँ जीवन के, और मैं देखता हूँ तो करीबन करीबन 72-74 वर्ष तक बहुत शानदार आपके पास भाग्य रेखा बनी हुई है। यानी कि ऐसा नहीं है आगे नहीं बनेगी, लेकिन इसने धन के पर्व तक पहुँच कर के बता दिया कि आप अपने जीवन में खाली नहीं बैठने वाले हैं, लगभग लगभग 74 वर्ष तक आपके आमदनी के स्रोत आपके जीवन के अंतर्गत बने रहेंगे। तो ये अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर एक आपके यहाँ स्रोत पर मिला। अब मैं बात कर लेता हूँ भाग्य रेखा कुल मिलाकर आपकी ठीक रही, थोड़ा सा यहाँ मुझे कुछ राहु पर्व का इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिखलाई देता है। तो देखिए राहु पर्वत का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये यहाँ से ऐसा समझ लीजिए कोई संपत्ति आपकी बहुत दिन की पड़ी हो उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और या ऐसा समझ लीजिए कि अचानक से किसी व्यक्ति के साथ में कोई पार्टनरशिप का योग मिलने के कारण या कैसे मिलने के कारण व्यक्ति को अचानक धन के आगमन शुरू हो जाता है, और ये अवस्था जो है इस समय पर चल रही है। थोड़ा सा राहु से संबंधित काम भी कभी कभी मैंने लोगों को करते हुए देखा है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि जो है आप थोड़ा सा ध्यान रख करके, क्योंकि अचानक धन मिलेगा ये, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखें कि जो भी काम हो उसकी अच्छी तरीके से छानबीन करें यदि आप व्यापार करने वाले हैं तो ये इस बात को राहु से इन्वॉल्वमेंट है। वैसे ज़मीन के रेट बढ़ेंगे अचानक, या कुछ ना कुछ अचानक से कुछ योग लगता है कि लगभग लगभग 60 के आसपास आपको कोई लाभ का बड़ा चांस। तो चलिए ये सब हो गया। अब मैं बात करने वाला हूँ आपके अन्य रेखाओं के बारे में। देखिए मैंने शुक्र पर बताया, मंगल पर बताया, और अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ आपने पूछा है, आपके सवाल ले लेता हूँ कि मेरा आने वाला समय, तो आने वाला समय तो बता दिया मैंने आपको कि लगभग लगभग 70-72 तक बहुत अच्छा है आपके पास आने वाला समय। आपने पूछा कि कौन सा काम अच्छा रहेगा, तो चलिए मैं काम के बारे में देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जब कुल मिलाकर के देखा तो चंद्र पर्वत का काम भी ठीक नहीं है, शुक्र पर्व का काम भी आपका ठीक नहीं है। बात ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ बुध वर्ष से संबंधित काम अनुकूल लगते हैं, और बुध के जो काम होते हैं वो देखिए, या तो आप कोई एजेंसी लें
और एजेंसी का लेकर के माल दूर दूर तक सप्लाई करें। जैसे मान लिया टाटा नमक की होती है, या जैसे मान लिया पार्ले बिस्कुट की होती है, या कोई, तो एजेंसियों से जुड़ करके आप जो काम करेंगे, या किराने का काम है, या परचून की दुकान है, या आप कह सकते हैं जो सेल परचेज की जो दुकानें होती हैं, जैसे गिफ्ट आइटम हैं, इस तरीके के आइटम यहाँ, और साथ ही साथ अग्नि के कार्य। अग्नि के कार्यों में बिजली की दुकान है, बॉयलर भट्टी है, या बिजली संस्थान का कोई टेंडर्स मिल जाए, इस तरीके का। तो यहाँ आपके बुध के कार्य और साथ के साथ सूर्य के कार्य आपके लिए ज़्यादा फलित क्षेत्र के कार्य हैं, तो इनको आपको करना है। अब आपका मैंने सारा हाथ लगभग लगभग पढ़ दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या करते रहें जिससे आपको सही निर्णय लेकर के आप सही मार्ग पर चलते रहें। आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पूजा के अंदर रोजाना आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते रहिए। आदित्य हृदय स्रोत का आप रोजाना पाठ करिए, सूर्य को जल दीजिए, और बस अंगूठी आपने मेरे ख्याल से ये माणिक के पहन रखा है तो बहुत अच्छा है, कोई अलग आपको पहनने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में संतान का सुख भी आपको है। आयु रेखा की बात कर लेते हैं। आयु रेखा यहाँ पर वर्तमान के हिसाब से लगभग लगभग 80 वर्ष की आपके हाथ में है, तो आपकी सारी रेखाओं पर्वों के बारे में बता दिया मैंने। आप अपने जीवन में तरक्की करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।